नमस्कार, मैं हूँ राम, एबिस द अंडरवर्ल्ड की तरफ से मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। और मैं आपको ये वीडियो दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे एबिस द अंडरवर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सब वीडियो जो होते हैं एबिस की तरफ से रिलीज किए वीडियो रहते हैं वो सब लोगों तक, आप लोगों तक पहुँच सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और मैं आपसे आशा व्यक्त करता हूँ कि आप अभी हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं ये मछलियों के पास। देखिए, ये जो मछलियाँ है इनका नाम है काउ फिश, इनको बॉक्स फिश भी बोला जाता है और इनका और एक साइंटिफिक नाम है और इनको काउ फिश इसलिए बोला जाता है। देखिए मछलियों को गौर से देखिए, यहाँ देखिए ये काउ के जैसा इसका फेस है। देखिए गाय के जैसा फेस रहता है इनका चेहरा जो है, ऊपर की तरफ से और पीछे की तरफ से दो ये रहता है उसको, ऊपर एक ये पूछ है, पेक्टोरल फिन है, एनस फिन है और मेन फिन, ये सब ऐसा रहता है और ऐसा ये रहता है। काउ फिश पूरा पत्थर के जैसा रहता है और ये पानी में इस तरह चलता है। ये मछलियों की स्पेशलिटी ये है कि खासियत ये है कि ये जो मछली है अपना जो खाना रहता है या जो भी कुछ उसको खतरा करने वाला हो तो उसको इस सामने की तरफ से नोकीले की तरफ से उसको डैमेज कर देता है और भगा देता है। और एक फैसिलिटी है कि ये जो मछली है, ये मछली अगर उसको कोई खतरा महसूस हो गया, वो रहने वाली जगह में हो वहाँ उसको अगर कोई खतरा महसूस हो गया तो ये मछली अपने मुंह से पॉइजन छोड़ देती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पॉइजन कैसे छोड़ती है। देखिए इसको गौर से देखिए, मुंह से देखिए पॉइजन छोड़ेगी। अभी देखिए ये पॉइजन निकल रहा है, गौर से देखिए, मुंह से देखिए पॉइजन निकल गया यहाँ से और ये पॉइजन वही जगह पे जो खतरा वाला जगह रहेगा उधर छोड़ता है और खुद मछली साइड में हो जाता है और दूसरा जो मछली है उसको वो डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये मछलियों का खाना मैं आपको बोल रहा हूँ। ये मछली है जो छोटा छोटा मछलियों को खाती है, इससे भी बहुत छोटा मछली रहता है उनको खाती है। उसके बाद में मछलियों का अंडा अगर किसी पेड़ में, समुद्र में जो पेड़ पौधा रहता है उसमें चिपका हुआ मछलियों का अंडा उसमें भी रहेगा, वो भी खाना खाती है और पेड़ पौधा भी सड़ा रहेगा वो भी खाती है। ये मछली एक्चुअली डीप समुंदर का है फिर भी वो पानी के ऊपर आके तैरती है कि उनको डीप रहना पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ मच्छी को आपने गौर से देखा रहेगा, देखिए यहाँ देखिए गौर से देखिए, थोड़ा डाग ये दिखता है, मार्क दिखता है। देखिए ये जो मछली था जिस टाइम पकड़ा गया था वो टोटली डैमेज था, तो हम एबिस में हमारे मेंटेनेंस रूम में इसको क्वारंटाइन करके रखा था और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रहा था हम लोगों का वो अभी आज सक्सेस होके, पूरा सक्सेस होके ये मछली अभी अपने मेन टैंक में जाने के लिए रेडी है। तो अभी ये मछलियों को हम मेन टैंक में डालने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे मेन टैंक में हम कैसे डालते हैं। क्वारंटाइन के बाद 7 दिन के क्वारंटाइन के बाद ये मछली अभी अपने मेन टैंक में जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सब मछलियाँ हैं अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की, फ्रेश वाटर हो या मरीन टाइप की मछलियाँ हो, ये सब मछलियाँ आपको देखने को खाली एबिस में ही मिलेगी। तो आपको एबिस को विजिट करना है और एबिस को विजिट करने के बाद में आपको अलग अलग तरह की अलग अलग मछलियों आपको देखने को मिलेगी, मछलियों के साथ खेलने को भी मिलेगा, मछली हाथ में पकड़ने के लिए मिलेगा। हार्मफुल मछलियाँ जो तो हार्मफुल रहती है जिससे जो मछली से आदमी को कुछ खतरा नहीं रहता, ऐसा मछली हम लोग आपके हाथ में देते हैं पकड़ने के लिए, उसके साथ फ़ोटो निकाल सकते हैं, सेल्फी निकाल सकते हैं। और एक हमारे पास अंडर वाटर टैंक है जहाँ कि आप उसके अंदर जाके फ़ोटो निकाल सकते हैं। आपको ऐसा महसूस